रोजरका के समीप गांव रायपुर के पास शर्मा हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारी ने बताया कि रात के समय जब वह सो रहे थे उस समय एक अज्ञात युवक हॉस्पिटल के अंदर आया। कमरे में घुसकर वहां से चार्जिंग पर लगे मोबाइल को लैपटॉप व नकदी लेकर फरार हो गया। इस मामले में उन्होंने रोजरका पुलिस को एक शिकायत दे दी कि वही सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की सारी करतूत कैद हो गई है, जिसकी फुटेज उन्होंने पुलिस को सौंप दी है। पुलिस मामले में आरोपी की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज लेकर पुलिस आसपास के क्षेत्र में युवक की तलाश कर रही है। क्या मामला है? ये ऐसे बात है, रात को 2-2.5 बजे की बात है। मैं शर्मा हॉस्पिटल पर जॉब करता हूँ और वहीं पर ही रात को मैं सो रहा था, तो तभी रात के 2:10-15 पे एक बंदा आया। हमारे सीसीटीवी में उसकी फुटेज आ रही है। उसने आया, पहले चारों तरफ इधर उधर से देखा और फिर वो बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद वो अंदर गया, अंदर से लैपटॉप और एक फ़ोन और कुछ कैश लेके और चला गया। अब हमने कंप्लेन भी करी हुई है पर अभी तक कोई उसका वो पता नहीं। आपका क्या क्या सामान चोरी हुआ? सर मेरा फ़ोन था, MI का Redmi Note 8, और मैं OPD 2 में सो रहा था और हमने CCTV में देखे थे कि एक व्यक्ति आया था, उसने क्या मास्क में ढाटा लगाया हुआ था कपड़े से, तो उसमें देखा तो उसमें 2:15 पे वो आया था और चार्जिंग पे फ़ोन लगा हुआ था। फ़ोन लेके और लैपटॉप और कुछ पैसे थे, लैपटॉप के नीचे रखे हुए थे, उनको वो लेके चला गया था। तो हमने सुबह देखा, फिर उसके बाद FIR हमने पुलिस के पास डाल दी है और ऐसे ऐसे हमारा वो चोरी हुई है। सोना से संजय राघव की रिपोर्ट।